हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम वॉश करेंगे मेरे इस कार को दो कलर शैम्पू से। एक तो मेरे पास पिंक कलर शैम्पू है और एक ब्लू कलर शैम्पू है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक पिंक और एक ब्लू। तो हम क्या करेंगे आज, आधा पार्ट को है ना, आधा कार को ब्लू अप्लाई करेंगे और आधा को पिंक अप्लाई करेंगे। और देखना कमाल का आज का सीन होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखो और आपको समझ में आएगा भाई कौन सा कलर से बेटर, मतलब फॉर्मिंग हो रहा है, कितना कैसा क्या दिख रहा है। आपको कुछ नया देखने को मिलेगा आज के वीडियो में। दोस्तों मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इस वजह से देखो मैंने पहले से सब कुछ रेडी करके रखा है। देखो यहाँ पर शैम्पू मैंने रखा है, कलर शैम्पू दो टाइप का। और ये देखो, ये जो मैं आज जो मैं मशीन यूज़ करूँगा ये है स्टार क्यू डब्ल्यू पी 2.8। ये जो एडजस्टेबल सिस्टम है ना, कम ज़्यादा करने वाला। ये देखो प्रेशर आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरह का ये वाला आज मैं मशीन यूज़ करूँगा। और ये देखो, ये है फोम कैन, ठीक है, फोम कैनन जिसको बोलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, चलो दोनों को भी मैं शैम्पू भरता हूँ ये अलग अलग डब्बे में। ये देखो, इसमें अलग शैम्पू और उसमें अलग शैम्पू, दोनों में अलग अलग भरेंगे। बाद में मस्त बाद में डायरेक्टली एक ही साथ में ऐसे फोमिंग करके दिखाएंगे, देखने बाद में कैसा परफॉर्म करता है। और कार कितना गंदा हो चुका है वो तो आप देख ही सक रहे हो। ये देखो, देख ही सकते हो, ये देखो, ये बहुत गंदा हो चुका है कार। ये देखो, ये देखो बहुत गंदा हो गया है कार। देखो ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखना ये जो कार का हालत है, और बिल्कुल एकदम कार चकाचक हो जाएगा बाद में वॉश करने के बाद। ये देखो कांच के ऊपर भी ज़रा देखो, पूरा मट्टी मट्टी हो गया, एकदम कीचड़ आ गया पूरा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 100 ml डालेंगे ये ब्लू कलर, और इसमें पिंक कलर डालेंगे 100 ml। तो दोनों में 100 ml अलग अलग कलर डालेंगे, मतलब सॉरी कलर बोल रहा हूँ, मतलब शैम्पू डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें बाकी का पानी मिक्स कर देंगे। तो चलो, और ये जो शैम्पू है मुझे लगता है ज़्यादातर जो है ना, जैसे ब्लू कलर कार हो गया, रेड कलर कार हो गया है ना, जैसे कि ब्लू कलर कार है तो फिर ब्लू कलर के शैम्पू, और अगर रेड कलर का कार है तो फिर अब ये पिंक वाला शैम्पू, थोड़ा बहुत डार्क कुछ अलग कलर है तो आप वो पिंक वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, तो ब्लैक कलर है तो ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं ना, तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये मैंने 100 ml डाल लिया है, और इसमें भी सेम ऐसा पिंक कलर शैम्पू डालेंगे 100 ml। बिल्कुल नया पैक है, देखो पूरा फूल है। ये हो गया 100 ml। चलो अब इसमें बाकी का फूल ऐसा पानी भर देंगे। ये देखो, अब इसमें भी भरेंगे ऐसे ही सेम, मतलब 100 ml शैम्पू और बाकी का जो 1 लीटर का जो डब्बा होता है पूरा बाकी का पानी भर देंगे, तो उससे हो जाएगा फोमिंग बराबर। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा ऐसा अच्छे से ऐसा हिलाएंगे। क्या हो जाएगा ऐसा करने, हिलाने से क्या हो जाएगा बाद में मस्त अच्छा ऐसा पेंट अच्छा मिक्स हो जाएगा उसके अंदर ही। ओके, ये देखो, ये दोनों अलग अलग कलर रेडी है अपने पास। तो दोस्तों शैम्पू को अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, फुल कार को अच्छे से पहले पानी मार देंगे। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। दोस्तों ये जो यूनिबैक्स का जो शैम्पू है, आप बताओ आपको इसमें से कौन सा पसंद है, ये दोनों में से कौन सा कलर आपको पसंद है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अब ये मेन टाइम ये इसमें फोम अप्लाई करने का, तो आप बताओ कि आपको कौन सा ऐसा लगना चाहिए कि भाई पहले कौन सा अप्लाई करूँ मैं, आधे में ये कलर यूज़ करेंगे आधे में दूसरा कलर यूज़ करेंगे। ये है यूनिबैक्स का शैम्पू मस्त कलर शैम्पू। एक्चुअली मैं बहुत दिन पहले ही मैंने यूनिबैक्स का एक कलर शैम्पू का ऊपर वीडियो बनाया था, तो मेरे को सही लगता है यूनिबैक्स जो भी कंपनी है, मेरे को उसके मैं पहले भी कई बार उससे ऑर्डर कर चुका हूँ मैं शैम्पू को। तो
बाद मैंने फिर से कुछ नया ऑर्डर किया हूँ दो कलर एक साथ, तो सोचा कि एक बार वीडियो बना दूँ मैं इस बारे में। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या है मेरा कार जो है ब्लू कलर है और मेरा फेवरेट ब्लू कलर है, तो मैं सबसे पहले ब्लू कलर स्प्रे करता हूँ इधर आधा है ना, और आधे में बाद में पिंक कलर स्प्रे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने निकल दिया आगे का नोज़ल, और बाद में ये जो क्विक कनेक्टर है यहाँ पर हमको सबसे पहले फ़िट करना है, ये जो फोम केन का जो क्विक कनेक्टर है यहाँ पर हम ऐसा फ़िट करेंगे। ओके, अब ये जो है यहाँ पर ऐसा लगाएंगे। यस रेडी, फाइनली अभी फोम स्प्रे हो जाएगा। आधे में हम मारेंगे ब्लू और आधे में मारेंगे पिंक। तो तैयार हैं? चलो सबसे पहले मैं इसको मारता हूँ, अलॉय व्हील को मारता हूँ। ओहो ओहो हो हो, वाओ, गाढ़ा गाढ़ा फोम। मस्त है, देखो। भाई मज़ा आ गया देख के, देखो ज़रा, देखो ज़रा, मज़ा आ गया एकदम। गाढ़ा गाढ़ा फोम है देखो। ये देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा फोम है। हम अभी वो साइड में मारेंगे पिंक कलर शैम्पू। तो रेडी, वाओ ये देखो, यार कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखो ज़रा, एक साइड ब्लू कलर और एक साइड पिंक कलर। मैं आपको कैमरा नज़दीक ला के दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्लोली स्लोली नीचे गिर रहा है। एक्चुअली स्लोली स्लोली नीचे गिर रहा है मतलब जो भी डस्ट वगैरह होता है ना ऑटोमेटिकली कचरा निकल नीचे निकल जाता है। देखो यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो गया वो ऑटोमेटिकली, देखो ज़रा। आप बताओ ये सीन लग रहा है कैसा, देखो। दोस्तों ये जो गाढ़ा गाढ़ा जो शैम्पू आ रहा है ना, इसका ना कोई जवाब नहीं है। देखो मस्त एकदम एकदम क्लियर गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू है। ये देखो आपको दिख रहा होगा कितना ऐसा सॉफ्ट एकदम। दिख रहा है आपको, देखो यार मेरे को तो बस ऐसा मतलब दिन भर बस स्प्रे करते रहो, इतना खूबसूरत दिख रहा है। भाई ऐसा नज़ारा पहले कभी देखा है क्या, देखो ज़रा। एक साइड पिंक एक साइड ब्लू, वाओ। आज कुछ नया करने को ट्राई किया मैंने, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको अगर ये जो शैम्पू है ना, ये जो यूनिवैक्स जो भी शैम्पू है, तो आप अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के ये फोम केन वगैरह और जो मशीन और ये शैम्पू वगैरह आप खरीद सकते हो, है ना। तो अब मुझे बताओ कैसा लगा, मैं थोड़ा अच्छे से कपड़ा मान लेता हूँ। दोस्तों ये जो कपड़ा है, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है, ये है सॉफ्ट स्पून की तरफ से है वो कंपनी, है ना। और अमेज़न पर काफ़ी फेमस है ये वाला, तो हमेशा मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट स्पून का माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। एक्चुअली देखो आपको एक ही कार में ऐसा मतलब दो दो कलर मारने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैं अपनी सबसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ किया है ना। आप किसी दोनों में से कोई सा एक कलर भी खरीदोगे तो भी चलेगा, आपके कार के कलर के हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो खरीद सकते हो। तो दोस्तों पूरा फुल कार को है ना कपड़ा मार के हो गया, अब हम अच्छे से पानी मार देंगे, बाद में देखें कार कैसा चकाचक हो गया है। देखो जरा नीचे कैसा कलर हो गया, देखो मस्त कलरफुल दिख रहा है, देखो नीचे वो देखो। मैं आपको देखो एक सब प्रेशर से हटाता हूँ उसको, देखना कैसा दिखेगा। ये देखो वाह। पूरा होली खेल ऐसा लग रहा है, मैं कार के साथ होली खेल रहा है ऐसा लग रहा है।
एक्चुअली जो कलर शैम्पू होता है ना वो बस दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ये मेन बात है ना। और अगर आपको समझो कि ब्लू कार है ना, तो आप अगर ब्लू कार के साथ अगर ब्लू कलर का शैम्पू यूज़ करोगे तो थोड़ा बेटर ज़्यादा शाइन अच्छा आता है। और जैसे कि समझो कि रेड कलर वगैरह है आपके पास कार, तो आप पिंक कलर का शैम्पू वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है एक्चुअली। दोस्तों मशीन देखो, ज़बरदस्त दमदार मशीन है, मज़ा आ गया एक्चुअली। मैंने ये जो पावर है ना बिल्कुल फुल रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं कार वॉश कर रहा था यहाँ पर मैंने बिल्कुल एकदम फुल रखा है। आप अगर एसी वगैरह दूसरा कुछ वॉश करते हो तो आपको अपने हिसाब से प्रेशर कम करके रख सकते हो, वहाँ पर प्रेशर कम ज़्यादा करने को मिलता है ना इस वजह से। दोस्तों फुल कार पे भी अच्छे से पानी मार के हो गया, कार बिल्कुल चकाचक हो गया। अब क्या करेंगे, कार मतलब खुद से सूख जाए उससे पहले हम जल्दी से कपड़ा मार लेंगे, उससे क्या हो जाएगा वाटर ड्रॉप्स जो है ना कार पे नहीं आएगा। इस वजह से कार सूखने से पहले हमको कपड़ा अच्छे से मार लेना है। और आपको पता है ना कपड़ा कौन सा, सॉफ्ट स्पून का, अच्छा क्वालिटी का आता है वो। एक्चुअली इसमें भी कई सारा वैरायटी होता है, वो एमएम के ऊपर डिपेंड करता है, एमजी के ऊपर कि आप कितना मतलब ये जो है ना देखो सूत जो होते किसी का पतला पत्ता होता है और किसी का गाढ़ा गाढ़ा होता है। जिसका गाढ़ा एकदम सिलाई होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पानी ऐसा खींच लेता है। रास्ते पर काम चलो ना तो गाड़ी आते जाते तो रहता है, क्या करेंगे, उसके बीच में काम करना पड़ता है। हाँ तो मैं ये कह रहा था ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसमें भी अलग अलग क्वालिटी का आता है। ओके, पर अगर आज मैं एक बात करूँगा अगर शैम्पू का, तो भाई शैम्पू ने तो अपना काम कर दिया है ना, बिल्कुल एकदम चकाचक। ये देखो आपको तो दिख रहा है कार आपके सामने है, हाँ मस्त एकदम। दोस्तों कार बिल्कुल एकदम चमक गया है, अब और क्या बताऊँ है ना। तो वीडियोस का और लंबा नहीं खींचना है, तो मैं वीडियो का यही खत्म करता हूँ। और अगर आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए इस वीडियो में, मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।